कांग्रेस के सीनियर कायदीन रेड्डी साहब हो और भी सीनियर कायदीन हो, सबका नाम नहीं लेते हुए मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अब नौजवान जो तेज़ी से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, दोनों कम्युनिटी हिंदू और मुसलमान, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन में नया इंकलाब लाएगा। मैं मेरा एक जहाँ तक मैं आज गौलीपुरा, लाल दरवाज़ा, पुराना पुल, तमाम इलेक्शन जैसे डिजॉल्व हो गया है, ये असम्बली डिजॉल्व हो गई है, तो जब से मैं मुसलसिल मतलब खाना पे एरिया में देख रहा हूँ कि ख़ास तौर के ऊपर एक पुराने शहर के अंदर कांग्रेस की एक लहर सी मतलब नौजवानों में आई है। मैं इसके जो काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियाँ डाल रहे हैं, आज 400 से ज़्यादा बूथ कमेटी डाल दी हैं। आप देखिए याकूबपुरा, चन्नानकोटा, चार मीनार और मलकपेट, बहादुरपुरा के अंदर, इन चार असम्बली हलकों के अंदर 400 से ज़्यादा बूथ कमेटियाँ एक महीने डेढ़ महीने के अंदर, ये कांग्रेस के कायदीन जो यहाँ पुराने शहर में काम करने वाले जो कायदीन हैं, काबिल मुबारकबाद। अल्लाह चाहे तो ये जंग अगर इसी तरीके से हम लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कांग्रेस के कांग्रेस के सीनियर लीडरों की क़यादत में यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और ऐसे कई प्रोग्राम्स कई दिन से याकूबपुरा में चल रहे हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन तक चलते रहेंगे और इलेक्शन में आपके इंशाल्लाह रिजल्ट 25 साल की क़यादत यहाँ की याकूबपुरा की ख़त्म होगी और पब्लिक चाह रही कि यहाँ पे बदलाव और हिंदुस्तान में भी जो है सो पब्लिक 4.5 साल का बदलाव चाह रही, हिंदुस्तान में भी बदलाव आएगा, याकूबपुरा में भी इंशाल्लाह ज़रूर बदलाव आएगा। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने एरियों में, अपने अपने घरों में लोगों को बोल के कांग्रेस की तरफ मुतवज्जे कीजिए। खुदा हाफिज़। आज याकूबपुरा डिवीज़न और याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और कुरमागुड़ा डिवीज़न से मैं तमाम उन ओल्ड सिटी की पुरानी क़यादत को चैलेंज करता हूं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार होंगी, क्योंकि हमने 4 साल वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी के भी अल्फाज को सुना, तेलंगाना के केसीआर के भी अल्फाज को सुना और होशियार खबरदार केसीआर और ओल्ड सिटी की पुरानी घसीटी पिसीटी क़्यादत जो मुसलमान और हिंदू को लड़ाना चाहती है वो क़्यादत को मैं चैलेंज करता हूँ, अब की बार चार मीनार भी जाएंगी तुम्हारी, याकूबपुरा भी।